हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बहुत बड़ी खबर है आप सभी लोगों के लिए। एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आपका टेंटेटिव डेट से पहले आ सकता है। सीजीएल टीयर 3 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2018 एग्जामिनेशन की, और एमटीएस टीयर 2 2019 एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहले मैं आपको स्टेटस रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि रिजल्ट कब कब पब्लिश होने थे। आप यहाँ पर देखोगे जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है टीयर 2 का, वो आपका 21 सितंबर को आने वाला था, और खुशी की बात यह है कि ये रिजल्ट आज 11 तारीख को ही पब्लिश कर दिया गया है। एमटीएस का जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है, और सीजीएल टीयर 3 का जो रिजल्ट है वो 4 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। अगर जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट 10 दिन पहले आ सकता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस है सीजीएल टीयर 3 का रिजल्ट भी आपका 4 अक्टूबर से पहले आ सकता है, और एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट भी आपका पहले आ सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एक बार रिजल्ट देख लो, जूनियर इंजीनियर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर बिल्कुल डिटेल में कट ऑफ्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस एग्जाम को ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आ गया 10 दिन पहले, और सीजीएल टीयर 3 और एमटीएस टीयर 2 का भी जल्दी आ सकता है। और ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि आप लोग ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप कंसर्न अथॉरिटी तक अपनी बात पहुँचा रहे हो, यू आर स्पीकिंग अप योर इशूज, ठीक है, आप अपनी बात आगे पहुँचा रहे हो और वो बात पहुँच भी रही है। अगर आज के ट्विटर कैंपेन की बात करें, काफ़ी लोगों को लगा कि आज का ट्विटर कैंपेन फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 5वें नंबर पे तो ट्रेंड करा ही हमने, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हम बीच में 4थे या 3रे नंबर तक भी पहुंचे थे। और जो ट्वीट्स की बात करें, ट्वीट्स यहाँ पे 321 थे, ये दिन की बात है, और मेरे ख्याल से अब तक 6 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो गए होंगे, लगभग 5 लाख के आसपास। तो इट इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल कैंपेन, आपने अपनी बात रखी और आपकी बात कंसर्न अथॉरिटी तक पहुँच रही है। प्रियंका वोड्रा गांधी ने भी आपका जो SSC का मुद्दा है उसके ऊपर ट्वीट किया था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी बातें आगे तक नहीं पहुँच रही, कंसर्न अथॉरिटी तक आपकी बात पहुँच रही है। जो पहले 2 मेगा ट्विटर कैंपेन्स हुए जो बहुत सक्सेसफुल रहे, ठीक है, तो उनका जो प्रभाव है वो सभी एग्जाम से धीरे धीरे पड़ रहा है, ठीक है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट्स के भी अपॉइंटमेंट लेटर्स आ चुके हैं, राइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके प्रोसेस अब धीरे धीरे फास्ट होते जा रहे हैं। अगर मैं CHSL टाइपिंग की बात करूँ 2018 एस्पिरेंट्स की, तो अभी मैंने देखा जो हमारा फेसबुक ग्रुप है SSC सेल्फ हेल्प, ठीक है, उसमें एक एस्पिरेंट ने डाली हुई थी RTI की कॉपी, जिसमें उनका जो रिप्लाई आया था वो 10 तारीख को आया था, मतलब कल आया था, जिसमें ये चीज़ें मेंशन है कि जो रिवाइज शेड्यूल है ना SSC CHSL 2018 टाइपिंग का, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो जल्दी फाइनल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी आपको SSC का रिवाइज कैलेंडर भी देखने को मिलेगा, और जल्द ही आपको टेंटेटिव डेट्स मिल जाएंगी CHSL 2018 एग्जामिनेशन की। तो अगर आप अभी ढीले पड़ रहे हो तो ढीले मत पड़ो, अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मेरे चैनल पर सारी स्ट्रेटजी वीडियोज, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे टाइपिंग सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री टाइपिंग बुकलेट भी मैंने आपको दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल के उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सब कुछ मैंने टाइपिंग से रिलेटेड आपको बता रखा है CHSL की, और CGL की टाइपिंग से रिलेटेड भी सारी बातें हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से लग जाओ, और आपके एग्जाम्स जो हैं वो भी हो सकता है टाइमली कंडक्ट कराए जाएँ, क्योंकि RRB का जो बैंक का एग्ज़ाम है वो भी टाइमली कंडक्ट हो रहा है आपका 12 तारीख को। तो यही कह रहा हूँ मैं बस आप लोगों से कि अपनी तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से करो, रिजल्ट आपके टाइम से पहले आ सकते हैं, चांसेस हैं कि आपके टाइम से पहले रिजल्ट आ जाए, और उसके बाद आगे चीज़ें भी थोड़ी फास्ट चलें, राइट। बाकी हम सभी लोगों को हमेशा एक साथ रहना ही है और ट्विटर कैंपेन्स करते रहना है, क्योंकि हमारी प्रेजेंस ही, हमारी आवाज़ ही है जो ये सारी चीज़ें कर रही है, जो ये आउटपुट निकल रहा है ना, जो रिजल्ट्स आपको टाइमली मिल रहे हैं, NTPC की जो डेट्स मिल रही है, ये इसी वजह से हो रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं अपनी और बोल रहे हैं कि यार ये दिक्कत है और इसे सॉल्व किया जाए, ठीक। तो सभी लोग अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, और आज के ट्विटर कैंपेन को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। 5वें नंबर पर ट्रेंड करना भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें लाखों ट्वीट्स हुए हैं, ठीक है, लोगों ने इशूज के बारे में बात करी है, राइट। और फिर एक नए ट्विटर कैंपेन के साथ हम आएंगे, जो भी एक बड़ा इशू हमें देखे लगेगा जिसका सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे। बाकी और भी इशूज़ से जो आज के ट्विटर कैंपेन में थे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए जो ग्रीवेंसीज वगैरह डालने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक अच्छी खबर है, और बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।